बजट 2022-23 पेश होने जा रहा है। ऐसे में हर आम और खास लोगों की इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। हर व्यक्ति इस बजट पर अपने अपने क्षेत्र की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं देवघर में बजट को लेकर आम और खास लोगों से प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश की संवाददाता दीप नारायण ने। सभी की उम्मीदें इस बजट से जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति चाहता है कि लगातार 2 सालों से जिस तरीके से उद्योग धंधों में गिरावट आई है, आम और खास सभी की उम्मीदें इस बजट पे टिकी हुई है। अभी हम मौजूद हैं देवघर के हार्ट ऑफ द सिटी टावर चौक पर। आज हम प्रतिक्रिया लेंगे, लोगों से बात करेंगे, जहां पर देवघर के व्यवसायी हैं, यहां के जनप्रतिनिधि हैं, यहां के आम लोग हैं, यहां के छात्र हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले बजट में इनकी उम्मीदें क्या है। आशावादी हैं और इसको और बेहतर करने के लिए अभी सरकार ने कई बार उद्योग को और अभी प्रेजेंट कंडीशन में भी उन्होंने कई निवेशक सम्मेलन भी किया, तो उम्मीदें और बढ़ी हैं। लेकिन संताल प्रगना की बात करें तो संताल प्रगना का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो जसीडी इंडस्ट्रियल एरिया और देवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, दोनों जगह सरकार के स्तर से कोई काम नहीं हो रहा। इसमें सबसे बड़ी काम जो इस बार बजट में हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि जसीडी इंडस्ट्रियल एरिया का बिहार के साथ जो विभाजन होना है, अभी भी आधे से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीन बिहार के कब्जे में है, उसको एकमुश्त सेटलमेंट करके सरकार पूरे जसीडी इंडस्ट्रियल एरिया के ज़मीन को झारखंड सरकार के अधीन ले। महिलाओं को ध्यान में रखकर यह बजट होनी चाहिए और मैं तो चाहती हूँ कामकाजी महिलाओं को हर जगह हर क्षेत्र में एक महिला हॉस्टल का व्यवस्था रहे जिसमें महिला काम कर सके। साथ साथ मैं यह कहना चाहती हूँ गरीब महिलाएं जो गैस के लिए परेशान रहती हैं, उस गैस के दामों में इस बजट में गिरावट आने चाहिए। ये प्री बजट था जिसमें लोगों की राय रखी गई, इसमें इंडस्ट्रीस्ट थे, समाज सेवी थे, यहाँ के लोकल नुमाइंदे थे। कुल मिलाकर एक नट सेल में ये बात जरूर सामने आती है कि बजट में सबों की उम्मीदें टिकी हुई है, ताकि एक ऐसा बजट तैयार होना चाहिए जिसमें हर आम से लेकर खास सभी प्रभावित होने चाहिए, उसमें उन्हें फौरी राहत मिलनी चाहिए। जरूरत है इस बजट को सरल बनाने की ताकि सभी तरह के लोगों को इसका लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीप नारायण, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।